एमपी के राजगढ़ जिले के पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आगामी चुनाव के चलते फरार आरोपियों, स्थायी वारंटियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है तथा कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज भापुसे ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में दिनांक 1 नवंबर 2023 को थाना प्रभारी सुठालिया अनिल कुमार राय को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना नेमावर जिला देवास का स्थायी वारंटी डालचंद माली निवासी सुठालिया ज्योति देवाल जिले के थाना नेमावर का 14 वर्षों से स्थायी वारंटी है। वह बस स्टैंड सुठालिया पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर तुरंत कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद, एसडीओपी ब्यावरा श्रीमती नेहा गौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुठालिया अनिल कुमार राय के मार्गदर्शन में एक टीम गठित कर उक्त आरोपियान को पकड़ने हेतु रवाना किया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला राजगढ़ द्वारा वर्तमान समय में स्थायी गिरफ्तारी वारंटों की तामील हेतु जिले में व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दीगर जिले के वारंटों को भी शामिल किया गया है। इसी तारतम्य में आज दिनांक को थाना नेमावर जिला देवास के एक स्थायी वारंटी डालचंद पिता सरदार माली को पुलिस अधीक्षक कक्षा में लिया गया था, जिसे देवास पुलिस को सुपुर्द किया गया है। यह वारंटी करीब 14 साल से फरार था, जिसे गिरफ्तार कर देवास पुलिस के सुपुर्द करने में सफलता प्राप्त की। इसी तारतम्य में अपराधों के फरार आरोपियों की भी धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि थाना के अपराध क्रमांक 375/23 धारा 376/450 IPC के आरोपी श्री किशन लोधी को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।